तो आज हम बनाएंगे एक स्वादिष्ट चॉकलेटी केक। उसके लिए सबसे पहले हमें नमक गरम करना पड़ेगा, और जब तक नमक गरम होता है जब तक हम पांच हैप्पी पांच वाले बिस्किट ले लेंगे। हम अमूल की चॉकलेट ले लेंगे जो कि पिघली हुई है, और ये जैम्स ले लेंगे डेकोरेशन के लिए, और इनो आप जो चाहो आप वो डेकोरेशन के लिए ले सकते हो। इसमें आप हर्शीज का भी ले सकते हो। और उसके बाद हमने इसमें डाल दी है ये। अब तब तक हम बिस्किट के पैकेट को खोल लेते हैं। अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया, और आप देख सकते हैं उसके बाद उसमें से निकला है बिस्किट का चूरा। हमने अभी दो पैकेट का करा है, ये एक पैकेट खोला है और ये रहा एक पैकेट हमने खोल दिया। अब हमने इसका चूरा कर लिया। अब हम इसको इसमें इस कंटेनर में डाल देंगे। हम सारे बिस्किट्स का चूरा करेंगे। अब हमने और दो बिस्किट्स डाल दिए। अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। अब हमने और दो पैकेट्स को ग्राइंड करा, आप देख सकते हैं। अभी ये पहले करा था, अब ये और एक, ये अच्छे से नहीं हुआ तो हम इसे और करते हैं। हमने ग्राइंड कर लिया, अब इसको भी इसमें निकाल लेंगे। अब हम ये सारे बिस्किट के पैकेट के साथ करेंगे, और हम लास्ट बिस्किट के पैकेट में थोड़ी सी शक्कर भी डाल देंगे, पाँच चम्मच शक्कर डाल देंगे, उसको भी ग्राइंड करेंगे। चलो अब ये भी ग्राइंड हो रहा है, और हमारा नमक गरम हो रहा है। अब जैसे कि शक्कर और लास्ट बिस्किट का पैकेट ग्राइंड हो चुका, तो ये उसमें ऐसा हो गया। अब हम इसको पूरा इसमें मिक्स कर देंगे। इसको साइड में कर देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी पर आगे। पूरा मिक्स कर दिया, चम्मच से जो चिपका है वो भी निकाल लेंगे। हमारा नमक गरम हो रहा है, लगभग हमने 3 मिनट तक इसे गरम करा, 5 मिनट तक। अब इसे मिक्स करते हैं। अब उसमें 1 कप दूध डालेंगे। हम धीरे धीरे करते हुए डालते हैं, जैसे हम आटा घोलते ना उसी टाइप। अब इसे घोलते जाते हैं। आप अपने हिसाब से दूध ले सकते हो। हमने अभी आधा कप दूध ले लिया है, आप अपने अंदाजे से दूध ले लीजिएगा। आप आधा कप दूध ले लीजिएगा, वरना फिर अगर आप अपने अंदाज से लोगे और कभी आपका अंदाज गलत हो गया तो फिर केक अच्छे से बनेगा नहीं, तो इसलिए आप आधा कप ही दूध ले लेना। हमने इसमें घी लगा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, है ना, हमने मैदा डाल दिया है यहाँ पे। बस हमने ऐसे ही डाला है क्योंकि अगर केक ना चिपके, केक चिपक गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप बटर पेपर भी लगा सकते हो जिससे केक नहीं चिपकेगा, वो आपके हिसाब से आप लगा सकते हो। हम अब लेंगे इनो, इनो डालेंगे जो हमने ये केक का बनाया था मिक्सचर उसमें। अब आप देख सकते हो हमने डाल दिया। अब हम उसे मिक्स करेंगे बड़ी तेजी के साथ। हम इसे 5 मिनट तक घोलेंगे। हमने इसे 5 मिनट तक घोला। अब हम इसमें डालते, आप देखो हमने डाल दिया इसमें, और हमारी जो कढ़ाई थी वो भी पूरी तरह से गर्म हो गई, और उसके अंदर का नमक भी आप देखो कितना गर्म हो गया है। हमने उसे स्लो फ्लेम पे फास्ट फ्लेम पे बार बार चेंज करते गए उसको। हमने इसे पूरा डाल दिया, कितना यमी है। हमने पूरा इसमें डाल दिया, आप देखो कितना मस्त है। अब हमारा
जो नमक है उसको फ्लेम को तेज कर देंगे, कढ़ाई पे रख देंगे और ढक देंगे एक बड़ी सी थाली, और थोड़ी देर 10 मिनट तक उसे पकने देंगे। उसके बाद हम करेंगे डेकोरेशन, जिसमें बहुत मज़ा आता है। इसे 10 मिनट गैस पर रखा था और आप देखो कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे, आप देखो कितनी टेस्टी लग रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आने लगा। अरे हाय, बिल्कुल मार्केट वाला केक, और वो भी सिर्फ 35 रुपीज़ में। अगर आप सोच रहे होगे कि ये हैप्पी हैप्पी बिस्किट जैसा टेस्ट होगा इसका, पर बिल्कुल नहीं। इसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट के लिए भी बनाया है, पर वो बिल्कुल वैसा नहीं दिखता। देखो कितना सॉफ्ट है। इसका डेकोरेशन टाइम हो गया है, बिल्कुल फैंटास्टिक। अब हम इस पे जैम्स की डेकोरेशन करते हैं। पर्पल कितनी अच्छी लग रही है, देखो एकदम मस्त। मार्केट ठीक लग रहा है बिल्कुल। हाँ, आप अपनी मर्जी से और अच्छा डेकोरेशन भी कर सकते हो। हमको तो यही अच्छा लगता है, इसलिए हमने यही करा है। देखो कितना क्यूट और कितना स्वादिष्ट है। और ये है लास्ट लास्ट स्टेज केक, और ये लास्ट में दिखा ऐसा।